न्यू पर क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद ओके पर। और यहाँ पे कीबोर्ड सेटिंग का यही तरीका है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आप कीबोर्ड वन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पॉलिटिक पे क्लिक कर लेंगे, सेव पर क्लिक करें और उसके बाद क्लोज पर। अब आप ओके पर क्लिक करें और अब आप जो कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से उर्दू में लिख सकते हैं। ये मैं एक वर्ड्स लिखता हूँ। अब इस वर्ड्स को मैं कोरल ड्रा में डिजाइन कर लेता हूँ, तो उसके लिए इस एरो पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें, फिर उसके बाद कॉपी पर, और फिर इसको मिनिमाइज करके कोरल ड्रा ओपन करें। कोरल ड्रा में इस पे यहाँ पे कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और पेस्ट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब इस वर्ड ये वर्ड आ गया है लेकिन बहुत बड़ा है, इसके लिए आप F4 क्लिक करें और फिर यहाँ से इसको आप ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं, यानी जो बैकग्राउंड पिक्चर है उसके साथ प्रॉपर तरीके से फिट कर सकते हैं। अब ये वर्ड्स तो ठीक हो गया है लेकिन अब इसको मजीद अच्छा बनाने के लिए आप ये कलर्स आपको दिए गए हैं, इस कलर में आप अपना चॉइस कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद आए उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। आउटलाइन जो है वो बन जाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। उस आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, आउटलाइन पिन जो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आप इसके आउटलाइन का जो साइज है वो सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ मैं वाइट कर लेता हूँ। सेम इसी सेटिंग पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब देखो ये आउटलाइन तो हो गया है लेकिन ये वादे तौर पर नज़र नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये बेहतर हो गया है और ये वेक्टर जो है आप गूगल सर्च में भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेक्टर ये आप वहाँ से ले सकते हैं। कोरल ड्रा में उर्दू लिखने का यही तरीका है। मैं आपको और मज़ीद वीडियोस में बताऊंगा कि कोरल ड्रा में इसको और अच्छा तरीके से किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, बिजनेस कार्ड कैसे बनाया जाता है।